क्राइंग ओली मिला छू ना सब बच्चा नो क्राइंग नो क्राइंग देखो नाना नानी आने वाले हैं आपकी मासियां आने वाली है गुड 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 नो क्राइंग ओली ओली अरे क्या हुआ प्यारी सी गुड़िया अरे बाबा देखो तो बिल्कुल मेरे काजू जैसी है और देखो कैसे आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है ये आजकल की जनरेशन है पैदा होते ही दुनिया की पहचान करना चाहती है अरे हमें दो ना हम अपनी पहचान खुद करवाएंगे लो जल्दी ले लो अगर मासियां आ गई ना तो चांस नहीं मिलेगा अरे बेटे देख 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 हम 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 तेरे नाना है अरे ले 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 नाना चिची है अरे नहीं नहीं ते नानी छी है नाना बोले को भी मुबारक हो नहीं ऐसे नहीं चलेगा हमें पार्टी चाहिए कमरे में लाए नहीं है हम लोग चलते पूछते कैसे कमरे में कब लाए ठीक है ले 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 मामा भी आने वाली है बहुत अच्छे लग रहे हो दिल की खुशी चेहरे पर झलक रही है अक्षत यहाँ होता तो कितना छेड़ता ना तुम्हें राहुल पापा कहता कितना खुश होता वो हाँ आज अक्षत की कमी बहुत महसूस हो रही है अक्षत के प्यार की कमी तो हम कभी नहीं पूरा कर पाएंगे राहुल पर जब उसके बारे में सोचती हूँ जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं है तो दिल में एक टीस सी उठती है कि इस नन्ही सी जान से ऊपर वाले ने किसी को पापा कहने का हक क्यों छीन लिया माँ की चाह बनकर तो मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी पर बाप के साए की ठंडक तो वो कभी भी महसूस नहीं कर पाएगा मुस्कान ये तो ऐसा दुख है ऐसी कमी है जो हम कभी भी नहीं भुला सकते पर आप देखना आपके बच्चे के पास अंकल्स मासियां नाना नानी परदादा जी और ये जो उसकी बड़ी बहन बनकर बहुत प्यार देगी हम सब उसे इतना प्यार देंगे कि हम उसे अक्षत की कमी कभी भी महसूस नहीं होने देंगे कभी मन भर आता है अरे चलो मुझे दो कब से गुड़िया को उठाया हुआ है ला मुझे दो आजा मेरे पास मासी के पास